दिव्यांग व्यक्ति मानू मिला कृत्रिम अंग 17 जन को आज कैपिटल हॉस्पिटल कृत्रिम अंग प्रदान करा जाएगी। सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षर यह पदक्षेप निया सूचना मिलूँ। वर्तमान सुधा मोट 62 जन पंजीकृत होता बेले से 46 जन योग्य बेचित होती। 17 जन को कृत्रिम अंग प्रदान करा जाएगी। एक स्वतंत्र कार्यक्रम में विभागीय मंत्री अशोक पंडा, विभागीय सचिव भास्कर ज्योति शर्मा, कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक डाक्टर लक्ष्मीधर साहू और अन्यान्य पदाधिकारी माने उपस्थित थिले। बंगु शब्द आम व्यवहार करनु शारीरिक दृष्टि प्रतिबंधक सम्मुखीन होता व्यक्ति मैं फिजिकाली चैलेंज भिन्नक्षम भी ना तेणु आज राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षर मलकानगिरु आसीथ्वा सुदूर मलकानगिरु जहाँ को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वाभिमान अंचल घोषणा कर जो गाँव गुड़ी चित्रकोणा रिजर्व अन्न पार्टी मध्य से जिलूर आज 17 जन व्यक्ति एटी कृत्रिम अंग प्रत्यंग लगी एडवांस रिहैबिलिटेशन सेंटर राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग ये अनेक कार्यक्रम करम एआरसी भविष्य में आम ब्रह्मपुर संबलपुर में सेंटर करने को जाऊँ। बड़ कथा हो पोखरीपुटे जो सीप इनिट्यूट होता आपण मैंने समस्त देखी सेटा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग पर्सन विथ डिसेबिलिटी मुख्यमंत्री उद्घाटन करते सी गोटे माइलस्टोन होती जटनी गोटे आईआईसी होती इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बा समन्वित पुनर्वास केन्द्र ओडिया तेणु ये जो ये कार्यक्रम चलती अनुष्ठानटी बहुत पुराणा ये अनुष्ठान संपर्क ओडिशार सब कोण से समस्ते जानते यह देखिकी सुंदरगढ़ और अन्न जिले में डीएम फंड अनुगुल डीएमएफ फंडु छोटिया ये करेणु राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा भिन्न स्वास्थ्य विभाग ये अनुष्ठानी बोर्डा अच्छी उपरे नहीं जो बोर्डा है ये अनेक कार्य करके मुख्यमंत्री जो आम जो मैंने शारीरिक दृष्टि प्रति सम्मुखीन होता व्यक्ति मान सामाजिक मुख्य स्रोत को आने ये अनुष्ठानी बहुत मानने जहाँ कहते अनेक प्रकार अवदान रही गला 4 वर्ष भितर कौन के संपर्क डाटा अच्छी। स्वाभिमान अंचल मलकानगिरीर यह दिव्यांग माने कृत्रिम अंग पाइबा खुशी व्यक्त करिसंती। दिव्यांग व्यक्ति माने ओडिशा सरकार को धन्यवाद दिसंती। भुवनेश्वर विश्वजीत दास रिपोर्ट।